बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पाकिस्तान की अवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ मैं। अल्लाह के फजल से जो पीटीआई पे घने बादल छाए हुए थे, जो तूफान बरपा था और लोग बातें कर रहे थे कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आज पिशावर हाईकोर्ट के जज साहिबान ने अपनी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखते हुए हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। इस हाईकोर्ट ने उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, जिसमें सिंबल पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूं एक गैर कानूनी और गैर आइनी ऑर्डर के जरिए, उस ऑर्डर को, उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ये हुक्म फरमाया है कि जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए, रिस्टोर किया जाए, और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंबल जो है मैं चाहूंगा कहना, सिंबल का मैं कहना चाहूंगा कि सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात की जान होती है, और आर्टिकल 17 जो हमारा है आइन का, उसमें कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट की उस पर जजमेंट्स भी हैं कि ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी, और उसके जो करोड़ा वोटर्स हैं उनका भी। तो आज हाईकोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पिशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है, वो साजिश खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पिशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया बल्कि 25 करोड़ अवाम का इतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिसपे हमेशा हमें इतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानून या आईनी जंग लड़ेंगे, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है, और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी, और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जो एतमाद है बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। आज अली साहब ने 4 घंटे खड़े होकर के आप लोगों सबके सामने 4 घंटे पे अदलिया ने उसकी हेयरिंग की है। हर शिक अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया, और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। अगर वो इस फैसले को उड़ा देती है और फिर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, वो तो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराहिल हैं और भी, और डीबी सुनेगी पूरा अपना फिर फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह आपने देखा, पता नहीं आपने मेरी बहस सुनी थी कि नहीं, हमने 4 घंटे के दलाइल दिए और एक एक चीज़ बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर क्यों गैर आइनी है, क्यों कानून के खिलाफ है। और जज साहब का आपने कमेंट भी सुना, बार बार उन्होंने, जज साहब ने पूछा दूसरे वकला से, और मैं तो सरप्राइज हूँ कि परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ कि वो हुकूमत के वकील भी खुद आ गए उधर,
उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कहां से ये पावर और ताकत आई इलेक्शन कमीशन की कि वो इंटरनल जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी पार्टी के, वो किस शिक के तहत, किस इलेक्शन एक्ट की शिक के तहत उन्होंने ये फैसला किया है। उनके पास जवाब नहीं था और काफ़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई उनको नहीं नजर आया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बार पूछा कि आपकी 170 से ज़्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात इस पीटीआई के अलावा किस जमात के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की। बल्कि जब ये जिक्र हुआ तो मैंने कहा अदालत से कि ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन को भी पूछा था और इलेक्शन कमीशन ने मजाकिया तौर पे मुझे ये कहा था कि आप स्पेशल, आपकी स्पेशल पार्टी है इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। देखो देखो इस जजमेंट की जिस तरह अली साहब फरमा रहे हैं, इस जजमेंट, इस जो सस्पेंशन वाला ऑर्डर है, इसकी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नामिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, KPK में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया पर PTI का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। अब ये 227 सीट से इनका बड़ा अमल दखल होता है सदर के इंतखाब में, वज़ीर आज़म के इंतखाब में, वज़ीर आला के इंतखाब में और ये स्पीकरों के इंतखाब में, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रूरी था। ये बताएं कि पेशावर की मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की एक मखसूस जमात को रिलीफ दिया जा रहा है, आप क्या कहना? जी देखें, मेरा तो यकीन है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फाइनल फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए और यही मैं बार बार अपनी कौम को भी बताता हूँ, बार बार मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि हमें यकीन रखना चाहिए अपने आईन में और कानून में। एक्सपीरियंस आप देखेंगे, मेरा पिछले 2 साल जो हुए हैं कम अज़ कम 22 केसेस में आपको गिनवाता हूँ मुख्तलिफ अदालतों से, चाहे लाहौर हाईकोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाईकोर्ट हो, वहाँ से, और अब पिशावर हाईकोर्ट भी, वहाँ से फैसले हमने आईन और कानून के मुताबिक किए हैं। चाहे वो डिफेक्शन क्लॉज की जजमेंट हो, चाहे वो पंजाब असेंबली को रिस्टोर करने की जजमेंट हो, चाहे वो जो इलेक्शन सिंबल्स की जजमेंट आ जाए उस वो हो, अदालतें हमेशा फैसला करती हैं इंसाफ के मुताबिक। इसलिए ऐसी कोई अगर बात करता है तो गलत बात करता है। देखो यही तरीकेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर जिसको फ्रेमा पेशी कुर्दों में क्या लफ्ज़ कहते हैं वो, बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मोशन का केस था, अदालत ने भी गया, सिर्फ आप लोगों ने आर्ग्यू करना था, नोटिस होने थे, सस्पेंड होना था, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी एडिशनल पेश हुआ, एक दरख्वास्त गुजार का वकील पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन का वकील आया। इलेक्शन कमीशन के वकील को दोपहर को हमने सुबह ही बल्कि अपनी पिटीशन की कॉपी दे दी थी, उन्होंने खुद चूज किया नहीं आने का। बदकिस्मती से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं, जैसा मैंने कहा, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं, ये नहीं लगता कि जिस तरह वो एक मुनसिफ के तौर पर उन्होंने फैसला किया, एक मुखालिफ के तौर पर किया। और आज जिस तरह दूसरी जमातों के लोग आके, जो लॉयर्स थे आके बहस कर रहे थे और इस हुकूमत के लॉयर बहस कर रहे थे, वो लगता ये था कि वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के साथ मिलके PTI के खिलाफ हैं, तो ये तासुर नहीं मिलना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, आज़ाद ही रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हम इस्तेदा जरूर करेंगे कि काइंडली मेक श्योर करें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन पे हमने हमेशा से एतमाद किया और जब एतमाद किया पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ मांगा हमने उसको प्रोवाइड किया और अलम किया, बट हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा
और वो इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई, हमारे केस को इसी तरह से देखा गया जिस तरह कभी भी 175 पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं देखा गया था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो आज उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा करते। केपी के अवाम की और पाकिस्तानी अवाम को मेरा ख्याल है अब हम मुबारकबाद दे पा रहे हैं।